समझाओ, उदाहरण दे करके माँ कुछ किसका ज्ञान कराओ। माँ बोली, समझो बेटा, पहले भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का फिर करूँ बाद में वर्णन। मूल रूप से जब पदार्थ होता कोई परिवर्तित रासायनिक गुण किन पूर्वक रहते अगर व्यवस्थित रंग रूप परिमाप आदि में ही बस अंतर आता, ऐसा परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन कहलाता। कांच टूटना, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन बनता नहीं पदार्थ कभी भी, इससे कोई नूतन रासायनिक परिवर्तन में होता कुछ नया निराला, कोई भी पदार्थ इससे फिर बने न पहले वाला। जब कोई भी दो पदार्थ या अधिक मिले आपस में परिवर्तित गुणधर्म सभी का हो जाता है, जिसमें मूल रूप में पुनः नहीं कोई पदार्थ आ पाता, गुणधर्मों वैशिष्ट आदि में अंतर है आ जाता। रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न भले हो जाए, द्रव्यमान में किंतु नहीं कोई भी अंतर आए। बने दूध से दही या तो फिर दूध कहीं फट जाए, जले अगरबत्ती या हो फिर लोहा जंग लगाए, नया रूप गुणधर्म न बल्ले नई वस्तु बन जाती, या घटना ही रासायनिक परिवर्तन है कहलाती। मैं आसमानों में मुकाम बनाने का हुनर रखता हूँ, और अगली लाइन है कि एक दुनिया है जो ज्ञान देते हैं, एक दुनिया है जो सिर्फ ज्ञान देते हैं, मैं उन सफों से हूँ जो करके दिखाने में हुनर रखता हूँ। एक तीन पंक्ति की हमारे और है कि तुम खुशी हो, खुशी हो तुम मेरी, तुम खुशी हो तुम मेरी, पास हो जो तो गम नहीं होता, भूल जाने का सोचता जब हूँ याद तेरी ये कम नहीं होती, हमने आंसू बहा के पत्थर पे, हमने आंसू बहा के पत्थर पे देख ली हायनम, देख ली हायनम नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का सुनने के लिए, और सर आपको हमें बुलाने के लिए।